हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ट्रिक दोस्तों कि व्हाट्सएप पर डिलीट करा हुआ मैसेज को कैसे पढ़े। कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा दोस्तों कि आप कोई मैसेज करता है या वो गलती से कर देता है या किसी भी वो मैसेज को कर देता है और उसको वो डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है। आपके मन में क्वेश्चन आता ही होगा कि आप मैसेज करा होगा, आप उस मैसेज को पढ़ने की सोचते हैं बट वो डिलीट हो गए, तो उस मैसेज को आप कैसे पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप उस मैसेज को पढ़ सकते हैं, डिलीट हुए मैसेज को, डिलीट करे हुए मैसेज को कैसे पढ़े। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। हाउ टू रीड डिलीटेड मैसेज, डिलीट करा हुआ मैसेज को कैसे देखें बिना किसी ऐप के। आपको मैं बिना किसी ऐप के आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप डिलीट हुए मैसेज को देख सकते हैं, पढ़ कैसे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है दो व्हाट्सअप को आपके सामने ओपन करके दिखाता हूँ गाइस। एक व्हाट्सअप मेरी ये रही और एक व्हाट्सअप मैं आपको दिखाता हूँ, व्हाट्सअप मेरी ये रही, तो दोनों व्हाट्सअप। तो अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो है मैंने मैसेज करे थे तो ये आ रहा है दिस मैसेज वाज डिलीटेड। आपको भी कुछ इस तरह का दिखाया जाता है, वो जब आपको कोई मैसेज करता है तो कुछ इस तरह का आपको दिखाया जाता है। अब मैं जो है मेरे दूसरे व्हाट्सअप से यहाँ पर मैं मैसेज करता हूँ एक व्हाट्सअप पर, ये मेरा दूसरा व्हाट्सअप है। इस व्हाट्सअप से मैं मैसेज करता हूँ दूसरे व्हाट्सअप पर, मैं यहाँ पर हाई का मैसेज कर देता हूँ। अभी जो है ये मैसेज मैंने कर दिया है और ये ऊपर आ गया है नोटिफिकेशन। और अब जो है मैं इसी मैसेज को यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये मैसेज यहाँ पर भी आ चुका है। अब मैं इसी मैसेज को यहाँ पर डिलीट फॉर एवरीवन कर देता हूँ आपके सामने, यहाँ से मैंने कर दिया है डिलीट फॉर एवरीवन। अब जो है मैं मेरे दूसरे व्हाट्सअप को ओपन करके भी ये मैसेज आपको दिखा देता हूँ। अभी हाई का मैसेज आ रहा है लेकिन अब ये हो चुका है दिस वाज डिलीटेड, ये मैसेज डिलीटेड हो चुका है। अब आप इस मैसेज को कैसे देखेंगे कि क्या मैसेज करा था, तो डिलीट हुए मैसेज को कैसे देखेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप किसी भी ऐप की ज़रूरत नहीं है, थर्ड पार्टी किसी भी एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज नोटिफिकेशन का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने भी आपको वो मैसेज दिखाया था कि वहाँ पर डिलीट फॉर एवरीवन दिखा रहा था, अब मैं उसी मैसेज को आपको दिखाऊंगा क्या मैसेज मैंने करा था। तो मोर वाले ऑप्शन आपको दिखाया जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है फर्स्ट मेन नोटिफिकेशन स्टोरी का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने जो है मैसेज करा था ये देखो 5:04 पर, 17:04 पर और हाई वाला मैसेज मैंने करा था। अब जो है वहाँ पर वो डिलीट फॉर एवरीवन दिखाया जा रहा है, वही मैसेज को यहाँ पर डिलीट फॉर एवरीवन दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वही मैसेज को आप पढ़ सकते हैं। ये मैसेज यहाँ पर भी डिलीट फॉर एवरीवन है और ये इस वाले व्हाट्सएप पर भी डिलीट फॉर एवरीवन है, लेकिन यही मैसेज को आप नोटिफिकेशन के यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, तो ऐसे करके आप डिलीट हुए मैसेज को अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं बिना किसी ऐप के, आप डिलीट हुआ मैसेज को पढ़ सकते हैं। हाउ टू रीड डिलीटेड मैसेज, ऐसे डिलीट हुए मैसेज को आप अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं बिना किसी ऐप के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।